तस्वीरों में दिख रहे ये शख्स अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ हैं, जिन्हें उत्तरकाशी में हुए हादसे के बाद टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बुलाया गया है। डॉक्टर अर्नोल्ड डिक्स जैसे ही हादसे वाली जगह पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने मंदिर के आगे सिर झुकाया, हाथ जोड़े और आशीर्वाद लेकर मजदूरों की मदद के लिए आगे बढ़ गए। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल हादसे के बाद निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 8वां दिन है। सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स से संपर्क किया गया था। एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने भारत आने से पहले ही कहा था कि अब मैं भारत जा रहा हूं और मेरा मिशन साफ है कि टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाला जाए। उन्होंने कहा कि ऑन साइट टीम से बात हो गई है, सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अपने विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह सबसे कठिन इलाकों में से एक है, हम हिमालय में हैं, टनल में फंसे सभी 41 लोगों को हम घर लाने के लिए जा रहे हैं। अर्नोल्ड डिक्स के बारे में आपको बता दें कि वे यूएसए से आए हैं और वो इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस प्रोफेसर के अध्यक्ष भी हैं। सुरंग के बारे में कई तरह की रिसर्च उन्होंने की है, यही वजह है कि अब टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए उनको बुलाया गया है। उन्होंने इस ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि टनल में फंसे लोगों को बाहर सुरक्षित निकालने के लिए पहाड़ की चोटी से सुरंग में 100 फीट तक की वर्टिकल ड्रिल की जाएगी। हालांकि इस इलाके की भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए एक और सप्ताह का समय लग सकता है। परंपरागत तरीके से हाथों से खोदकर बनाई जाने वाली सुरंगों का विकल्प अपनाकर भी मजदूरों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा सकती है, जिसका उपयोग अधिकतर पनबिजली परियोजनाओं और सुरंग बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही टूटी हुई चट्टान को फिर से वापस चट्टान में बदलने के लिए उच्च तकनीकी तरीकों का उपयोग करने पर विचार किया जा रहा है।